हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, क्या आपने कभी खुद को ओवरथिंकिंग करते हुए देखा है? अगर हाँ तो चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी इफेक्टिव और सिंपल तरीके बताना चाहती हूँ जिससे आप अपने ओवरथिंकिंग की चेन को ब्रेक कर सकेंगे। तो चलो शुरू करें। क्या है ये ओवरथिंकिंग? फ्रेंड्स, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी ऐसी कोई समस्या रहे, कभी कोई ऐसे निर्णय लेने रहते हैं जिसके कारण हम ओवरथिंकिंग करते हैं, और ये बिल्कुल सामान्य चीज है। मगर जब हमें जरूरत है किसी काम पर फोकस करने की, पढ़ने पर फोकस करने की, मगर हम हमारा दिमाग कंटिन्यू विचारों को ही सोच रहा है और किसी निर्णय पर नहीं आ पा रहा, तो ऐसी स्थिति को हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। ओवरथिंकिंग हम करते हैं सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, मगर बहुत सोचने के कारण कंफ्यूजन क्रिएट होता है और हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, और जिसके कारण फिर से सोचने लग जाते हैं। सो ओवरथिंकिंग मतलब सोचना 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 और एक्शन नहीं ले पाना, और इसी ओवरथिंकिंग की चेन में हम फंस जाते हैं। अब आते हैं इसके समाधान पर। सबसे पहला, आप उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उन पर ध्यान मत दो। जैसे कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, तो आप ये मत सोचिए कि अब वो पर्सन मेरी लाइफ में कैसे आएगा, उसको ऐसा था, उसको ऐसा था। आप ये सोचिए कि आप खुद को खुश रखने के लिए क्या कर सकते हैं। आप खुद को व्यस्त कर दीजिए काम में, आप खुद को कहीं आपकी हॉबीज में एंगेज कर दो, आप खुद को खुश करने की कोशिश करिए। सेकंड, स्टॉप ओवर एनालाइजिंग। मतलब इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसके कहने का क्या मतलब था, कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहा या कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रही। तो वो बहुत ज्यादा एनालिसिस मत करिए। अगर फिर भी बहुत कंफ्यूजन लग रहा है तो गो स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल दीजिए, बात कर लीजिए। और राइट, तीसरा, स्टॉप बीइंग परफेक्शन। बहुत ज्यादा परफेक्शन के कारण भी हम ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज एकदम परफेक्ट रहे। इट्स ओके, हम कोशिश करें, मगर हम अपने आप का बेस्ट करें, मगर हमें किसी से तुलना भी नहीं कर सकते हैं कि हम इनसे अच्छा करें। हर किसी की अपनी खूबी रहती है, तो हमें अपने आप को स्वीकारना चाहिए। चौथा, हमें योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, वॉट एवर जो आपको पसंद है। बिकॉज इससे हमारा बॉडी रिलैक्स होता है और हमारा माइंड भी शांत होता है। और आखिरी, खुद को समय दीजिए और ये सोचिए कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको ट्रिगर करती है ओवर थिंकिंग के लिए, और उस सिचुएशन के लिए, उस परिस्थिति को आप किस तरह से रीफ्रेम करेंगे जो आपको पॉजिटिव नजरिया दे, जिससे आपको बेहतर फील होगा, जिससे आपकी ओवर थिंकिंग बंद होगी। तो आप कोशिश करिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये टिप्स। और अगर फिर भी अगर आप खुद से नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे, तो आप चाहे तो होम्योपैथिक दवाई की भी मदद ले सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन ओवर थिंकिंग के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है। और या फिर आप चाहे तो किसी साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग सेशन भी करा सकते हैं। एक सही पर्सन से अपनी बातों को डिस्कस करना आपको ओवर थिंकिंग से बचा सकता है। आई होप मेरी ये टिप्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। टेक केयर, बाय बाय।